हमसे कोई बोले कि 5 मिनट में एक बढ़िया सा नाश्ता बनाकर खिलाइए, तो इससे बढ़िया कोई नाश्ता नहीं हो सकता है। इंस्टेंट ये नाश्ता हम तैयार कर रहे हैं, बहुत ही टेस्टी। और अक्सर क्या होता है कि हम चीज़ें देखने लगते हैं कि घर में क्या चीज़ है जिसे हम तैयार करें, तो आलू और प्याज अक्सर रहती है। और अक्सर क्या होता है कि हमें आलू बॉईल करने का भी टेंशन रहता है, तो हम कच्चे आलू का यूज़ करेंगे इसको बनाने के लिए। तो आलू लिया है, इसको पील कर लेते हैं और इसे वॉश कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता तैयार होगा। हमें इधर उधर सामान का भी ढूंढने का ज़रूरत नहीं रहेगा, अक्सर हमारे पास ये सारी सामानें अवेलेबल होती है। तो मैंने सारा आलू इस तरह से छील लिया है, अब इसे हम वॉश कर लेते हैं और ग्रेटर से सबसे पहले इसे हम ग्रेट कर लेंगे। इसे अब हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं, इसलिए ये सारा काम हो जाता है, इसीलिए ये झटपट तैयार होने वाली नाश्ता है। परफेक्ट तरीके से हमारा आलू ग्रेट हो चुका है, कोई टेंशन नहीं है। अब हम जब भी बनाएंगे कोई भी रेसिपी कि आलू को बॉईल करना है, तो ये प्रोसेस बहुत बढ़िया है। और इसके साथ मैंने लंबे लंबे साइज़ में प्याज को चॉप किया था बारीक एकदम, तो इसको ऐड कर दिया है। 1 चम्मच इसमें मैंने बेसन यूज़ किया है और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, बड़े साइज़ से मैंने 1 चम्मच मैदा लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर और चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, तो आधे आधे चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। हींग का 2 चुटकी मैंने हींग डाला है, स्वाद के अनुसार नमक इसमें ऐड कर देते हैं। बारीक कटा हुआ मैंने इसमें डाल दिया है हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें हम इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने ग्रेट किया था कच्चा आलू, तो ऑलरेडी उसमें पानी रहती है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। अब हमारी ये बैटर तैयार हो चुकी है नाश्ते की, परफेक्ट एकदम तैयार हुआ है। क्योंकि ज़्यादा गीला रहता है तो तेल ज़्यादा सोखता है, ये बहुत ही फटाफट हमारा ये रेसिपी तैयार होगा। अब जो मन सो वो हम लोग शेप तैयार कर सकते हैं, तो मैंने राउंड शेप में फ्लैट एकदम यूज़ किया है, आप कोई भी शेप ले सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। जब हम इसका सेब तैयार कर रहे हैं तो बहुत ही इजीली ये सेब तैयार हो रही है, क्योंकि इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया था। जो भी पानी था वो आलू का जो उसमें गीलापन था वही यूज़ किया है। अब हम तेल को गरम करेंगे, स्मोकी तेल गरम करेंगे अच्छी तरह से, और इसे फटाफट तल लेते हैं उलट पुलट करके। मैंने इसे पलट लिया है दोनों साइड से, इसे अच्छी तरह से ब्राउन होने तक हम तल लेते हैं। और फाइनली ये हमारी तल चुकी है, बहुत ही बढ़िया यमी यमी हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। इसे होममेड चटनी में तैयार कर सकते हैं या सॉसेज के साथ इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए इसे हम इस तरह से बर्तन में पलट देंगे और अगला इसे हम तलने के लिए तैयार कर लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा इसमें बहुत ही कम तेल भी यूज़ लग रहा है, और फटाफट ये तल करके तैयार भी हो रही है। तो ये हमारी इंस्टेंट नाश्ता रेसिपी तैयार हो चुकी है,
जब भी कोई मेहमान आए, जब टी टाइम स्नैक्स हो, हम ये उसे यूज कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ। तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कैसी लगी ये रेसिपी। ऊपर से हम टॉपिंग कर लेते हैं बारीक कटे हुए धनिए से। इसमें ना ही सोडा डाला है ना ही इनो 50, ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची दोनों है। इसको मैं आपको तोड़ करके दिखला रही हूँ, बहुत ही टेस्टी ये हमारी नाश्ता रेसिपी तैयार हो गई है। तो चलिए एंजॉय करते हैं और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा।